मेरी मम्मा की कॉल आई है कि भाई ईदी लेके आपके घर पे आ रहे हैं। चाची तो आज चहक रही है, महक रही है, घर से ईदी आनी है काके। अब डब्बे खोल लें, ठीक है? ईदी स्पेशल हमने कहा स्पेशल खाना करें। ईदी लेने आए। क्यों? क्या मतलब? हाँ जी, ईदी तो आप किसी पार्टी में? ईदी दे। ईदी है ना, बकरा तो नहीं आई। क्या जरूरत थी इतने सामान की? आप लोग आ गए, यही काफी था हमारे लिए। हैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। Welcome to astrology. This is me, Krakawal. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. मेरा आज का खूबसूरत दिन शुरू हो गया है भाई। मैंने जल्दी जल्दी व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि हमारी इफ्तारी वगैरह हो गई थी और इफ्तारी के बाद इतनी नींद आती कि मैं ना मेरी आंख लगी थी और अभी एकदम फोन कॉल से मेरी आंख खुली है क्योंकि मेरी मम्मा की कॉल आई है कि भाई हमारी एक आदत जो ब्याही हुई बेटी है हम लोग उसकी ईदी लेके आपके घर पे आ रहे हो। और मैं एकदम उठी हूँ यार, मैं सोई हुई थी, एकदम उठी हूँ अचानक से। तो अब बस उसकी तैयारियां, अब अरीब साहब को मैंने बताया और मैंने कहा फटाफट कुछ बना हुआ, मतलब मैं खाना शाना अभी इतने इंस्टेंट टाइम में नहीं बना सकती थी। तो मैंने बस अरीब को कहा कि आप बाहर से कुछ लेकर आए, तब तक मैं चीजें सारी सेट करती हूँ, घर की सफाई करती हूँ क्योंकि मेरे जो मेके से आई है मेरी पहली ईद। तो बस उसका इंतजार करे। और मैंने अपने लिए फटाफट एक जोड़ा निकाल के रखा है, ये भी जोड़ा मुझे अम्मा की तरफ से था, अम्मा ने दिया था, तो ये मैं ड्रेस पहनूंगी, साथ में मैरून दुपट्टा। जरा पता लगना चाहिए कि पहली ईद पे पहली लुक बना रही हूँ। तो बस भी इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी बस हम लोग फटाफट होते हैं चका चक्कर रेडी और उसके बाद करते हैं अपने घर को रेडी, फिर करते हैं अपनी डिशेज को रेडी, फिर करते हैं अपने हस्बैंड को रेडी और फिर आपके सामने आते लास्ट को। चलिए जी गाइस, कपड़े शपड़े मैंने पहन लिए हैं, बस बारी है अपने मेकअप को रीटच करने की। तो बस अब अच्छा सा मेकअप करते हैं। हेलो, चाची चाची तो आज चहक रही है, महक रही है, घर से ईदी आनी है काके। फुल नोटू शोटू, फुल कपड़े शपड़े, वो चाची को तो देख, न्यू ड्रेस। अभी नहीं आप दिखाएंगे, मैंने चप्पल पहना हुआ है नीचे, अभी नहीं आप देखो, महक रही है चाची, ईदी आ रही है। मेरे काके की भी ईदी आएगी, आपकी आपके की ईदी आएगी, काके की भी ईदी आ जाएगी। काके को काके आज तो चाचियों की भी ईदी आनी है ससुराल से, पता नहीं क्या आता है, देखते हैं। और पता है चाचू और चाची की तरफ से गट्टू को ईदी मिली। ओके, ठीक है, तक आ रहे घर वाले। घर वाले अभी मुझे अचानक से रीप कॉल आई है, मैंने आपको कहा रास्ते से कुछ लेते, आप अभी तक गए नहीं लेने। मैं जा रहा हूँ लेने, ठीक है, मिठू को लेने गए थे। क्या मिठू को, मैंने कहा बता दूं ना कि चाची को चहक रही, महक रही, देखें जरा क्या कर रही है, ईदी क्या आ रही है घर से। जिस शॉक्ड में मैं उठी हूँ ना आपकी सोच, मुझे इमरजेंसी कॉल आई है कि हम लोग आ रहे हैं। मैंने कहा यार आज तो मैंने सर आने का प्यारे वाला तैयार हो जाते हैं। चलो तुम तैयार हो, मैं चीजें वगैरह लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इसको मेरे पास छोड़ दे, ये नहीं छूटेगा, ये जरा अभी आज छूटेगा, तुम्हें तंग करेगा तो तुम बाद में करते हैं, ठीक है? ठीक है, चले फिर मैं सफाई कर, आप बस अच्छा सा कुछ ले आना, ठीक है? अभी फिलहाल मैंने जो है ना वो पानी का जग, प्लेट्स वगैरह लगा दी हैं ताकि जब गरीब खाना शाना लेके आए तो मैं आराम से जो है ना वो खाना शाना लगा दूं। और बाहर बेल हुई है, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आना शुरू हो गए हैं। वान तुम कहाँ पे आई हो? और ये छोटा पीस, मैं तो तुम मेरी दीदी लेके आई हो, क्या हाल है? मेरे घर वाले, मैं कौन हूँ मानो? मैं ना तुम्हारी, ये अलग लगता है कहीं से आ रही, तुम अकेली आई हो? मैं कहूँ एकदम शोर की आवाज आई है, मेरे घर वाले कहाँ हैं? मैं कौन हूँ, क्या पूछ रही हो? हैं मामा कहाँ हैं? तुमसे मुझे पूछना चाहिए मेरे घर वाले कहाँ हैं? मामा ने कहा था आपी के घर। आपी तुम्हारी घरवाली नहीं है? आप तो मैं घरवाली ही हो। आज के बाद मैंने तुमसे बात, मेरे से मत करना। आप तो घरवाली हो। आना अब तुम पीएस लेने, आना अब तुम कोई चीज लेने, तुम्हारा नींद में नशे में, इसमें मैं कल से नहीं सोई हूँ। चलो जाओ, मेरे बेड, मेरा बेड खाली है, जाके सो जाओ। चलो भाई, मैं सोने थोड़ी आया। चलो जाओ जाओ सो जाके सो, गद्दार। मेरे घर वालों ने मुझे डिच्ची कराई है, ये अपनी दोस्त के साथ कहीं घूमती घुमाती, कहाँ से इसको लेके आई उठा के, कचरा के डब्बा में फेंक देती रास्ते में, डब्बे में रास्ते में मिली थी, चलो तरस खाट उठा लिया ना। ये बंटी का वो रैपर है,
निकली मैं गिरा आया बंदा अभी लेके आई और खाली हाथ आई है बिल्कुल। ईद आपको देनी चाहिए मुझे, छोटा दे या बड़ा दे? तुझे ये नहीं पता तेरे घर वाले क्यों आ रहे हैं, निकल इधर से। तुम क्या कर रही हो आप ही, गिरा भी ना देना सामान। आया तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं, जितने इमरजेंसी में तुम लोगों की कॉल आई तो बर्तन भी ना निकालू। ओ माय गुडनेस गर्ली, घर वालों के लिए निकाल रही है आपकी। अरीब वो लेने ले, खाना लेने के लिए गए। तो अरीब भाई जिम नहीं? ओ अच्छा, उनकी जिम तो खत्म ही होगी। नहीं खत्म नहीं होगी, जिम करके आए। अच्छा बॉडी बिल्डिंग करके आए? बॉडी बिल्डिंग क्या 300 रुपया है? मैं तो मैं भी कर वाला कब से बेचारा नीचे बैठे डिच करा के उसको ऊपर आ गया 300 रुपया। माफ कर, बताओ तो सही, 4 घंटे हो गए घर आए को तो 300 रुपया नहीं है इसके पास, पागल। अब बहन हो गए ऊपर, पता नहीं कहाँ से ये लूर लूर करती आती है। चले जी गाइस पैसे ढूंढ के इसको, जरा पैसे दूं। कट कट के पैसे पड़े हुए 300 पूरा करके दिए पैसे देके। अब जो है वो हम घर वालों का वेट कर रहे हैं और अरीब का वेट कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ पहले अरीब आए ताकि मैं खाना लगा दूं, उसके बाद मेरे घर वाले हैं। ठीक है जी, चाची का काम डबल करने के लिए ये लड्डू बिल्ला आ गया मेरे पास और आगे सिर्फ चने खाता है, चाची से पपियां करवाता है बस। और इसकी फेवरेट पोएम हमने लगा दी है, एक मोटा हाथी। फिर से जो है वो घर के बाहर की बेल हुई है, हो सकता है क्योंकि 11 बज गए अब मेरे घर वाले आ गए हो, लेट्स सी। लेकिन खाना मेरा अभी तक नहीं आया एंड आई एम वेरी कंफ्यूज। मेहमान आ गए मिठू जी। मैं ना अपने दूसरे कमरे में छुप गई हूँ और वो लोग यहाँ से सीधा आएंगे ऊपर, मैं उनको डराऊंगी। आप भी लेके दिख रही है मुझे घर पे, मेरे कोई मतलब ऐसा क्यों लग रहा है आपकी छुपी पड़ी है? देखा ये सरप्राइज किया मैंने, चलो अब वो या अल्लाह हम लोग कहने आप ही अभी लेने क्यों नहीं आ रहे, आप ही सरप्राइज देती फिर रही है करके और ये आगे से मिलने भी नहीं आई। क्या मतलब आज पता था कि इधर कर करके देखती हूँ मैं आप लोगों की दिया कि क्या लेकर आए हो, लेकर ही क्या आए हो यार आप लोग मेरे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हेलो हीरो, ज़ैनब सबसे पहले आई थी। अस्सलाम वालेकुम, अभी ईदी क्या लेकर आए? मैंने ईदी पे कैमरा नहीं घुमाया, ठीक है ये मैं ईदी पे कैमरा घुमाऊंगी, लेकिन अभी मैं जरा इनको बिठा लूं। खुशी और हाँ तुम्हारी नींद उड़ा देगी, इतनी जबरदस्त ईदी है ना। सीरियसली बहुत अच्छी ईदी है। चलो चलो ठीक है बैठते हैं, मामा बैठे हैं, सब बैठो। मेरी ईदी हाँ तुमसे लूंगी, वो दूंगी। चलो ईद तो आले ना, जब तेरी शादी दूंगी ईद पे, ईद पे चलो डन। ये मेरे लिए ना कोई 2 अदद टोकरियां आई हैं, पता नहीं इसमें अल्लाह जाने क्या है। मामा क्या रखा है बता दे यार, खोलेंगे तब पता लगेगा। लेट्स सी किसके अंदर क्या निकलता है। अभी हम लोग सिर्फ मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हैं, खाना शाना खाने के बाद फिर अपने गिफ्ट्स खोलेंगे, अपनी ईदी खोलेंगे। करीब साहब जो है ना वो खाना शाना ले आए हैं, हल्ला मिल गया था। यस आप 20 मिनट लेट हो गए, मैं 20 मिनट लेट हो गए। अब खाना गरम गरम खाएंगे ना, वैसे गरम गरम नहीं आना था, मेहमानों से मिलके आ रहा हूँ मैं। ठीक आप मिलके आए अंदर, फैमिली जो है मेरे कमरे में बैठी हुई है, मैं जरा बस खाना लगा लूँ, मेरी थोड़ी सी हेल्प करने मिला है आप सबसे, उसके बाद आप ना उसके बाद फिर आप मेरा इसमें डिशेज में लगा। तो वही यहाँ पे दोनों ही मियाँ बीवी लगे हुए हैं, शपा शप डब्बे खोल लें। ठीक है खुशी हो रही है, ईदी आ गया ना, बड़ा बड़ा डब्बे डब्बे डुबे खोले और खाना शाना प्रेजेंट करें। इमरजेंसी में तुम लोगों ने बताया ना, ना होती है इमरजेंसी तो मैं घर में खुद बनाती हूँ। अच्छी बात है इमरजेंसी भी बताया फिर वरना हमें आलू के पराठे वो मजे के बनाए सीख गई है। आलू के पराठे, माय गॉड, भूख लग रही है। अम्मी आ गई है देखने के भी सब नापा तुला है कि नहीं है। ये देखो जरा अभी मेरी बहन को भूख लगी है, मैंने कहा जरा सर्व करती हूँ प्रॉपर। बल्कि इनमें 2 चावल एक जैसे एक लग रहा है, चलेगा 2 चावल एक जैसे खा के दोनों बहनें इकट्ठी बोली है। स्पेशल आप भी मामा के लिए सैलेड लेके आई है, आप ही अरीब भी खाओगी सैलेड, तुम भी खाओगी सैलेड, तुम तुम्हारे लिए जितना खाना मंगवाया तुम वो खाना ना वो भी खाओगी, ये भी खाऊंगी, सब खा जाऊंगी, जो दिल करेगा वो खा जाऊंगा। बहन के बहन में अच्छा खाना नहीं है, धन धन ये क्या है, ये डिफरेंट चावल है। चले जी गाइस, हमारी जो है वो टेबल रेडी है, सारा हमारा मेन्यू रेडी है, ये हमारी 3 डिशेस में जो है वो चीजें आ चुकी हैं। हेल्दी खाना खाएंगे, चले जी अब गाना, अब हम लोग खाने फिर आ जाओ, ज़ैनब को भी ले आओ, ज़ैनब की फ्रेंड को भी ले आओ, सब आ जाओ। गाइस हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था और अब बारी है जी चाय की, मैंने अपने हाथों से चाय बनाई अपनी दो बहनों की, ऐसे गौर से चाय देख रही जैसे जिंदगी में पहली बार तुम लोगों को चाय दी। नहीं जी ये कोस्टर जो है ना इसके ऊपर कप रखना, ठीक है मेरे जो तो कभी स्कूल में क्या
इसके ऊपर रखते हैं ऊपर नहीं। हाउ टू यूज इट, मैं वैसे कह रही हूं कि यूज इट, और ये पता है क्यों करता है, नीचे निशान नहीं पड़ता गोल चाय का। हां जी, जैसे फातिमा इधर मैंने इसमें शक्कर डाली है, खुद उठा लिए फातिमा, यहाँ धांधली मत करो। ये गाइस हम लोगों ने अभी राबिया ने जो मुझे ये ईदी थी ना, ये ईदी नहीं थी, ये एक प्रैंक था और ये बहुत बड़ा प्रैंक था जो इस मोहतरमा ने मेरे साथ किया। ये आपको इसी के व्लॉग में जाके पता चलेगा। असल ईदी अभी मिले, गुस्सा चढ़ाया इसने मुझे बहुत ज्यादा, परेशान हुई सॉरी मम्मा, इन्होंने मुझे परेशान कर दिया। ईदी तो अब आएगी, वो असली ईदी सबकी आएगी, मेरी भी नहीं थी। पता नहीं क्या क्या गंद काजू कूड़ा उठा के करके इन्होंने पैक किया। लोगों ने मुझे था कि आपके साथ कोई इंटरेस्टिंग प्रैंक करो, उनकी ख्वाहिश पे किया मैंने आपके साथ। तो ये चैलेंज अभी चाय स्कूल वाले का बदला है। अच्छा अच्छा, मम्मी मेरे साथ अपनी ईदी लेने आए। क्यों क्या मतलब? हाँ जी ईदी दो, आप किसकी पार्टी में? ईदी दे, हम ईद वाले दिन देंगे ईदी। मैंने तो नहीं देनी, बड़ी बहने देती हैं। आप ऐसी शादी भी गरीब को देती थी, हमें देनी है आपने ईदी। छोटी बहन तो बड़ी बहन को नहीं देती ईदी, आप भी। आपकी बड़ी बहन देती है आपको ईदी? बस फिर बस फिर तीन साल, आप मुझसे, आप मुझसे कोई छह साल बड़ी हूँ, छह सात साल बड़ी होगी। नहीं छह साल बड़ी हूँ यार, एस्टिमेट लगाओ ना तो 15 साल बड़ी। क्या मतलब बकवास कर रही हो तुम? मैं तो मैं पन्नूंगी पकड़ के। मुझे सबने झूठ बोला था, पागल होगी गाइस। राबिया अब हमारी, मेरी जो असल ईदी आनी, पहले हम चाय शाय पीते हैं, उसके बाद हमारी ईदी आती है। ईदी के आपको असल टोकरे दिखाते हैं, ये जो दिखाया था ये असल टोकरा नहीं था, ठीक है जी। A few moments later, आपकी रियल वाली ईदी आ रही है। ओए 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 ओए, पता नहीं रियल सिर्फ आपकी की, आपकी के हस्बैंड की? पहले आपकी के दोनों की है। अच्छा, नाम आपकी का लगता है। हस्बैंड की आंखें खुली हुई है ना, बकरा असल टोकरियाँ तो यार अब देखी है। आपको क्या लगा आपको गंदे गिफ्ट देंगे क्या? ये क्या हो गया यार, इतने गुस्से, ये तो जूते मेरे नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, चलो अंदर लेके जाओ ना, पिपा चलेगा। वो कह रहे हैं फ्रूट शूट खाओ ताकि जो है ना सेहत बने। ईद वाले दिन कह रही नए नोट लेके आइएगा, नोट लेके आइएगा यार। अभी तो हमें ईदी मिलेगी ना, इकरा करते ना, अभी तो हमें ईदी मिले, में भी तो इश चाहिए, चीजों के साथ इश भी चाहिए, बस इसी में खुश हो जाओ। ओह माय गॉड, तो भाई मैं पूछूंगी कि ये सब किस किस ने किस किस की चॉइस की खरीदी है। अभी बैठ के यहीं पे हम लोग, आप भी बैठ जाओ। फातिमा ने, सब ने, मैंने तो बड़ी मेहनत, ईदी ज्यादा देनी पड़ जानी है। हाँ, जिस हिसाब से टोकर है उस हिसाब से मुझे ऑनलाइन मंगवाई है, कुछ हम लोगों ने स्टोर से खरीदी है, कुछ फ्रूट तो तुसी स्टोर तो मंगाए होने ने, कपड़े जुतियां तुसी ऑनलाइन मंगाई, हाफ ऑनलाइन हाफ भी जाके खरीदी, हाफ हमने अर्जेंट खरीद के लाए। दो तीन चीजें अभी अर्जेंट खरीदिया, कुछ पहले ऑनलाइन मंगवाई। ओके, तो भाई हम लोग अब मैं रेडी हूँ देखने के लिए। पता है मुझे इतनी खुशी हो रही, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। ओ माई गॉड, तुम लोग भी शादियां करा लो जल्दी जल्दी। क्यों? अपने खुद ही चार टोकरियों के लिए हम अपनी शादियां इतनी जल्दी नहीं करवा सकते। अभी कहने लगी मुझे लगा था कि कुछ कहने कुछ और लगी थी, कहने लगी थी तो बहुत कुछ कह सकती, लेकिन फातिमा चुप बैठ। दिखाऊंगी, खोल खोल के दिखाएंगे। ऐसे नहीं दिखाते मम्मा, ऐसे दिखाते हैं। ये बरी की तरह दिखा रहे हैं। अरीब अरीब ईद को तुमने पहनना भी है, यही पहनना पड़ेगा क्या मुझे? नहीं, जो ईदी की चीजें आएंगी उसको ईदी में पहननी पड़ेगी ईद पे। नहीं नहीं नहीं, उसकी मर्जी है। ये शॉल, ये बहुत प्यारी है, ये शॉल है देखे आंटी, बस ये बड़ी दिखा रही है फातिमा, बड़ी दिखा रही है। एक मिनट मैं खुद देखती हूँ। जैसे शेक स्ट्रॉबेरी का आपने बनाया, उसमें सिर्फ दूध डाला हो और पानी ना डाला हो, पानी की कमी वाला शेक हो। ये पानी किसकी चॉइस का है? ये मेरी है, मेरी चॉइस, जो अच्छा हो राबे की चॉइस का। चला राबे भी बहुत प्यारा है यार, ये मुझे पता है, ड्रेस प्रॉपर काम वाला है। नहीं, मेरा तो सारा मुंह लुका देता है उसके वक्त में। नहीं, वाकई बहुत प्यारा ड्रेस, वेरी नाइस। और मम्मा ये वो मुझे सारी चीजें सोनिया लग दी ने, और ये हीरा की पसंद है, ये बड़ी चलाक हो फातिमा। मैंने और भी चीजें ली है तो मैं बस एक ही रख। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाइट वहां खराब हो गई है ड्रेस के साथ। ओके, वेरी नाइस, लेट मी चेक। अच्छा, सारे कलर बड़े प्यारे लिए हैं यार। ये देखें जी, ये एक ड्रेस है, ये प्यारा है, ये प्यारा है। मानो मैं भी बड़ी हूँ। जो प्यारा है वो राबिया ने चूज किया है, कोई नहीं इसे चूज किया।
अच्छा ये भी बहुत प्यारा है मम्मा, मैरून कलर मेरा फेवरेट है। और ये यार, इट्स वेरी प्रिटी, कितने खूबसूरत है। आप ही शादी में पहनना चाहिए था। अच्छा दीदी मुन्ने आके कह रहे हैं शादी से पहनना चाहिए। मुंह फट बच्चे लाने मम्मा मम्मा ये सारी ना तय करके मैं वापस रख रही हूँ, नीचे फेंकी जा रही है। ऐ बाद में करना, पहले दिखाओ ये क्या। ये है गरारा शरारा। गरारा शरारा वो भी येलो। नाइस। इसके साथ कुछ भी पिंक कॉम्बो। ये एक ईद का सामान लाया है कि तीन चार ईदों का सामान लाया है। पहली पहली हैगी ना साड़ी, पहली पहली पहन सी ते खूब सारा लाया। पहली बार ही इतना कुछ मिलेगा, अगली बार फिर। ये क्या बहुत ना बात कर रही है। अगली बार वो भी लाइन से लग जाएगी। इतना प्रोटोकॉल ही देना इधर। वेरी नाइस। खाने पे देंगे। ये देखो ऐसे अच्छा है, ये भी कितना प्यारा। अच्छा येलो ड्रेस भी बहुत प्यारा लगा, शॉकिंग पिंक, एक ब्लू ड्रेस कैजुअल में है, मैरून ड्रेस कैजुअल होता है, कैजुअल नहीं होता। कैजुअल नहीं बोलती, बहुत ही कैजुअल। कैजुअल वैसे मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने तो भी अलमारियां भी नहीं बनाई, वार्डरोब भी नहीं बनाई। अरे इसके बाद मेरी वार्डरोब है। हाँ जी सारे हो गए, ये बास्केट सारी हो गई है। नहीं ये है अभी एक रहता है। मम्मा कितने आपकी पांच बेटियां पांच ड्रेस लेके आई हो। इतना प्यारा शुक्र है आप यही सोचे ना यही मैं लाई। ये सबके साथ जूते भी लाए हो मैच, ये मैचिंग जूते। खुशहाल सिर्फ खुशहाल अड्डिया भी जूतियां भी आंदी तो जैसे जूते और कपड़े ईद पे मुझसे ही अच्छा लगता है। मैं भी खुद सही पहन रही हूँ अपनी दफा। साथ में सिल्वर खुशा है, पर्पल क्या भी है, क्या किया मारा उसने, खुशा मारा है पता है ना, सब भी नहीं मारते फूट गए। चलो अनबॉक्सिंग कंटिन्यू। बहुत जोर की जूती मारी है मेरे सर पे। मैं तो मार देना, मैं दोबारा चलो ठीक है जी। अच्छा ये ब्लैक खुस्सा, सिल्वर खुस्सा, पर्पल खुस्सा, नहीं खुशियां की दुकान पर नहीं मैं। चल खुशे बच वापिस कर दो, वापिस कर दो। इज्जत दी है तू, अगर मुंह फट फट मारो जवाब दे नहीं। अच्छा ये भी बड़ा प्यारा मल्टी खुस्सा। मम्मा मेहंदी भी मैंने देखी है अभी अंदर। हाँ मेहंदी भी और चुनियां भी हैं। वाओ वेरी प्रीटी। क्या जरूरत थी इतने सामान की, आप लोग आ गए यही काफी था हमारे लिए हैं। मजाक कर रहा, 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 मजाक कर रहा। बैठ जाए, बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। मैंने देखा आजकल बहुत चीजें जा रही उधर। अच्छा जी अरे बाप तक रहे हैं बाबा, क्या कर मैं देखा मुझे दिखाई जाओ ना यहीं से ही। ये देखें, ओ नाइस, ये है सैंडल है, शिवारी है, पिशवारी। वाह भाई वाह, शिवारी और शिनवारी, अच्छी चप्पल है यार, बहुत प्यारी है। बहुत चेक दे ना, रीप के जूते का ऐसे नहीं देखे जूता हमने, पूछ के जूता छुपाई हमने चेक कर लिया था। वाह हमने ईद पे हमने जूता छुपाई कर दे लो, ये हर बार जूता छुपाई होती है। हमारे पास पैसों की कमी होती है ना, हम दूध पिलाई जूता छुपाई। ईदी छुपाई की शादी होनी है ना, मैंने ऐसी ऐसी रस्में याद करनी है ना, आपकी सोच है। फिर आप कर लेना। फातिमा बड़ी सियानी है, फातिमा ने कहना बाय बाय मैं जा रही हूँ। पहले फातिमा की शादी होने दो, अभी बहुत टाइम है। ये क्या साथ पैसे उन्होंने साथ। अच्छा ये मेरे लिए बहुत प्यारा ये प्यारा सूट है, बहुत प्यारा लगा मुझे। अच्छा उन्होंने साथ में टैग भी दिया हुआ है। ओके नाइस, चलो अगला सूट दिखाओ ना। अच्छा दिखा रहे हो, चाहिए अनस्टिच दिया है। तुम बटनो बटन को लो, टाइम ले, बटनो भी रुक गई हो। इसको सिलाई ये कलर प्यारा। ओके वेरी नाइस, देखिए ये दिखाओ। अरे ये बहुत प्यारा है, व्हाइट कलर का, व्हाइट कुर्ता। डन डन प्यारा, ये बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा है, परफेक्ट है यार। वैसे आपको पता मैंने आपके लिए ईद के लिए कुर्ता बनाया था, मैंने भी व्हाइट बनवाया आपके लिए। तो बस ठीक है ना, व्हाइट पहनेंगे ईद पे। मैंने पहले बताना था यार, मैं ईद के लिए कोई और रंग बनवा। नहीं नहीं ये प्यारा है, जो मर्जी पहन ले आप ही पहनो, आपका वाला पहले हमें कहना मना लगा जाता है। नहीं नहीं है, जरूरत है कोई बात नहीं, हम पहन लेंगे कोई बात नहीं। नहीं अगर ज्यादा हो गया तो हमें कोई बात नहीं, ले जाते हैं। मैं तुम्हारे चांटे मारूंगी मुंह पे, बार बार बोले जा रहे इतने जूते इतने कपड़े तो ले जाते हैं यार। ओह माय गॉड, देखो गर्मियों के लिए हमने कहा रीप भाई जो है वो जिम शिम अब करना स्टार्ट कर दिया, तो अब खुली माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू सो मच। तीन दिन ईद के कपड़े पहने, फिर अगले दिन चौथे दिनों कार से जिम से चलो। जिम किए जाए तो तंग कपड़े दे दीजिए, तो खुले दे दीजिए ताकि मोटे हो गए फिट हो जाए उसमें, पता ना चले, हाँ नजर नहीं लगे। ये आपकी टी शर्ट मैं भी, अच्छा इसके साथ ये जूते पहने मैच, ये सलवार इसके साथ व्हाइट, नीचे आपने धोती पहननी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ईदी के लिए, बहुत प्यारी ईदी, थैंक यू सो मच आप सबका। इंशाल्लाह 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 इतनी ज्यादा ईदी दिस
इसकी क्या जरूरत है। मैंने एक भाई समझ लिया नहीं कहना ये। मैंने तो चांद रात के ड्रेस के भी खरीदा तो शुक्रिया। लो चांद रात भी इनको चाहिए, शक्लें शीशे में दिखाए। नहीं नहीं बहुत बहुत अच्छी ईदी थी, बहुत थैंक यू सो मच इस सब के लिए। हुआ तो मैं उनको ईदी दूंगी इंशाल्लाह। ईद पे आप दूंगी क्या, देनी है, देनी है, देनी है, छीन लेनी है, देनी दूंगी अगर ना भी। हाँ मैं ये कह रही हूँ, उन्हें ना खलारा पाता मेरे नाल समेट भी दे। हम चलते हैं, बाय बाय। ऐसी खाद से खलारा पाने तो तेन बुलाने कॉल कर। नहीं ना इतने भी तो फिर आप कल ही कर। लेकिन बाय द वे मुझे ईदी बहुत पसंद आई है मम्मा। अगर ये सवाल उठ सकता है कि मुझे ईदी नहीं पसंद आई, मैंने एक खुशा आवाज से निकाल के पिटाई करनी थी, अगर कहती ना पसंद आई ईदी। मुझे ऐसा लग रहा फातिमा स्पेशली मेरे लिए शॉपिंग। मैंने कहा कि यार बहुत लोग कमेंट्स में कही जा रहे थे कि इकरापी की ईदी देने जाए, इकरापी की हम आपकी से ज्यादा तो लोगों को इंतजार था ईदी का, तो हमने कहा नहीं मुझे बहुत अच्छे लगे सीरियसली। और मैं शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, थैंक यू बहनों, वेलकम। और अगर आप लोगों ने मुझे ईदी देनी है तो मैं अपना अकाउंट नंबर ईदियाँ भेजना शुरू कर, तो मैं अकाउंट नंबर भेज देती हूँ। ईदी पे मुझे ये नोट वाला रिवाज नहीं है, मुझे नोट में नहीं है। मैं कड़कता सूट दे दूंगी कल्फ लगा के। नहीं मैं कह रही हूँ माया में कल्फ लगा के सूट दूंगी। मेरा कैश पापा ने भिजवाना, वो पापा की तरफ से आना। पापा ने ईदी सबके लिए कहा बैंक से भेज दूंगा सबके। बैंक कहूँ बैंक भाई, पापा की तरफ से ईदी रह गई है भाई मेरी पेंडिंग, और बाकी कैश जो है वही वाले दिन वसूल कर दूंगी। हमारी ईदी अनबॉक्सिंग होगी, लेकिन एक काका इनको मिल जाता है, बस ये उनकी है, वो बेचारे वो पकड़ लेते हैं सारा टाइम, वो आ गया ऊपर, अब उसके साथ खेल रहे हैं, बिल्ली पार्टी हो रही है इधर। ओ दो खेलना है आपने, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, खंगड़ू लगा हुआ उसको, खंगड़ू चलो चाचू पास अच्छा जान, चलो खेलो खेलो खेलो, चुप जाओ चुप जाओ तू। ये जो है ना ये मुझे जो प्रैंक में एक अदद चीज मिली थी ना ईदी में, ये हमने ईदी ली मिठू को। देखो इसकी मिठू, चलो बस वो कह रहा मुझे छोड़ो नीचे। फातिमा वो तुमसे इतना क्यों डर रहा है? मुझे नहीं डर, डराती हो तुम, डराने वाली माई हो तुम। बाय बाय, वो सबसे डर रहा है, अब जा रहा नीचे। चलो बाय 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 बाय। चलें जी गाइस, बातें शातें करके भी हम लोग हो गए हैं फ्री। ईदी शीदी मेरी आ गई, आप लोगों ने भी देख लिया, बड़ा एंजॉय किया, अब जाने का वक्त हुआ जाता। उस बेचारी का क्या कसूर था है, उसको सातों ने अपने, मेरी गलती तो थी पता नहीं, बेस्ट फ्रेंड ऐसी होती है ठीक है। ये अपने चित्र अब हाथ में पकड़ के लेके जाएगी। चलें जी, मम्मी भी जाने लगी हैं, बाकी सब लोग हैं, बारी बारी निकलेंगे। अभी यहाँ से नहीं, वहीं से तुम लोगों को सी ऑफ करूंगी प्रॉपर, बाय बाय रुकती करती हूँ तुम लोगों की। पिन को बस मैं सी ऑफ करके आने लगी हूँ, क्योंकि बहुत मजा आया आज हम लोगों को, और बहुत हम लोगों ने शुगर लगाया है। मेरी फैमिली जो है वो जाने की फुल तैयारियों में, बाय बाय टेक केयर हाफिज होने लगा। ये क्या रही है? ये खजूरें दी है फातिमा ने, कहती मैं देना भूल गई थी। ओए कितनी मजे की लग रही है, जाके खाएंगे। ये वो देना भूल गई थी, ये हम उस टाइम देना भूल गए थे, ये मैंने पैक किए थे, तो मरदा नहीं रहेगा, चेक कर लो गड्डी जो मेरी थी, ये खजूरें लेकर आई थी, बहुत मजे की। सो मच, हर चीज के लिए अपना ख्याल रखें, मच्छर आ रहे हैं। ओके गाइस बाय बाय, निकल जाएंगे बाय। चले जी बाय बाय गाइस, बाय बाय। हम लोग अब बस अब जाके रेस्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।